बाणी इसमें आज पढ़ेंगे भेष को अंग। इस प्रसंग में कपटी साधु वेशधारियों की निंदा और वैराग्यपूर्ण साधु वेशधारियों की प्रशंसा की गई है। चाल बकुल की चलत है, बहुरी कहावे हंस, ते मुक्ता कैसे चुंगे पड़े काल के फंस। जो बकुले के आचरण में चलकर पुनः हंस कहलाते हैं, वे ज्ञान मोती कैसे चुंगेंगे, वे तो कल्पना काल में पड़े हैं। साधु भया तो क्या भया, माला पहरी चार, बाहर भेष बनाई या भीतर भरी भंगार। गले हाथ इत्यादि में चार मालाएं पहनकर साधु वेश धर लियो तो क्या हो गया, बाहर तो उत्तम वेश बना लिया और भीतर भंगार भरा है। बाना पहरे सिंह का चले भेड़ की चाल, बोली बोले सियार की कुत्ता खा में हाल। सिंह का वेश पहनकर जो भेड़ की चाल चलता था, सियार की बोली बोलता है, उसे कुत्ता अवश्य फाड़ खाएगा। तन को जोगी सब करें, मन को करे न कोई, सहजे सब सिद्धि पाइए जो मन जोगी होए। सब लोग वेश पहनकर शरीर के योगी बनते हैं, मन कोई बिरला ही योगी बनाता है। यदि मन योगी हो जाए तो सहज ही कल्याण की सिद्धि हो जाए। जो मानुष गृह धर्म युत राखे शील विचार, गुरुमुख बानी साधु संग मनवच सेवा सार। जो गृहस्थ मनुष्य गृहस्थी धर्म के युक्त रहता, शील विचार रखता, गुरुमुख वाणियों का विवेक करता, साधु संग करता और मन वचन कर्म से सेवा करता है, उसी को जीवन का लाभ मिलता है। गृही सेवे साधु को भाव भक्ति आनंद, कहे कबीर बैरागी को निर्वाणी निर्द्वंद। गृहस्थ का धर्म है कि साधु की सेवा करे, सदैव प्रेम भक्ति में आनंद मग्न रहे। गुरु कबीर कहते हैं कि विरक्त संत का धर्म है कि वह विवाद रहित, निर्बंध एवं हर्ष शोक से रहित निर्द्वंद रहे। शब्द विचारे पथ चलें, ज्ञान गली दे पाऊँ, क्या रमता क्या बैठता क्या गृह कंदला छाऊँ। निर्णय शब्द का विचार करें, ज्ञान मार्ग में पाँव रखकर सतपथ में चलें। फिर चाहे रमता रहे चाहे बैठा रहे, चाहे आश्रम में रहे चाहे गिरी कंदरा में रहे, और चाहे वृक्ष की छाया में रहे, उसका कल्याण है। पाँच सात सुमता भरी गुरु सेवा चित लाए, तब गुरु आज्ञा ले के रहे देशांतर जाए। कम से कम 5-7 वर्ष तक सुबुद्धि पूर्वक गुरु की सेवा में मन दे, फिर परिपक्व ज्ञान आचरण हो जाने पर गुरु से आज्ञा लेकर देश देशांतर भ्रमण करने जाए। गुरु के सन्मुख जो रहे सहे कसौटी दुख, कहे कबीरता दुख पर बारो कोटिक सुख। विवेक वैराग्य संपन्न सदगुरु के सम्मुख रहकर जो उनकी कसौटी और सेवा करने तथा आज्ञा पालन करने का कष्ट सहता है, उस कष्ट पर करोड़ों सुख न्यौछावर हैं। मन मैला तन उजरा बगुला कपटी अंग, तासो तो कौवा भला तन मन एक ही अंग। जो बगुला के समान कपट शरीर वाला तन वेश का उजला तथा मन का मैला है, उससे अच्छा तो कौवा है जो तन मन दोनों से काला है, किसी को छलता तो नहीं। कवि तो कोटि कोटि हैं सिर के मूड़े कोट, मन के मूड़े देखी करी तासंग लीजे ओट। कविता करने वाले तो करोड़ों करोड़ हैं और सिर मुड़ाकर घूमने वाले वेशधारी भी करोड़ों हैं, परंतु ए जिज्ञासु जो अपने मन को मुड़ लिया है, ऐसा विवेकी सद्गुरु देखकर तू उनकी शरण ले। वेश देख मत भूलिए, बूझ लीजिए ज्ञान, बिना कसौटी होत नहीं कंचन की पहचान। केवल उत्तम साधु वेश देखकर मत भूल जाओ, उनसे ज्ञान की बातें पूछो, बिना कसौटी के सोने की परख नहीं होती। फाली फूली गाढ़री ओड़ी सिंह की खाल, सांच सिंह जब आ मिले गादड़ कौन हबाल। सिंह की खाल ओढ़कर अभिमान में फूली फूली भेड़ी फिरती है, परंतु उसे
जब सच्चा सिंह आकर कहीं मिल जाएगा तो उसकी क्या दशा होगी। भाव, साधु वेश पहनकर पाखंडी फूले फूले फिरते हैं, परंतु वे संतों के मिल जाने पर दुम दबाकर भागते हैं। बोली ठोरी मस्खरी, हंसी खेल हराम, मद माया और स्त्री नहीं संतन के काम। बोली ठोरी मस्खरी, हंसी खेल, मद माया एवं स्त्री संगत ये संतों को त्यागने योग्य हैं। बैरागी बिरकत भला, गिरही चित्त उदार, दो चूकी खाली पड़े ताको बार न पार। साधु में विरक्ता और गृहस्थ में उदारता पूर्वक सेवा उत्तम है। यदि दोनों अपने अपने गुणों से चूक गए तो वे छूछे रह जाएंगे, फिर दोनों का उद्धार नहीं है। घर में रहे तो भक्ति करूँ, नातरू करूँ बैराग, बैरागी बंधन करे ताका बड़ा अभाग। घर में रहे तो साधु गुरु की भक्ति करनी चाहिए, अन्यथा घर त्याग कर वैराग्य करना चाहिए। यदि विरक्त पुनः बंधनों का काम करे तो उसका महान दुर्भाग्य है। धारा तो दोनों भली, बिरही के बैराग, गिरही दा सातन करे बैरागी अनुराग। धारा तो दोनों अच्छी हैं, क्या गृहस्थी क्या वैराग्यश्रम वैराग्याश्रम। गृहस्थ को संत गुरु की सेवकाई करनी चाहिए और विरक्त को वैराग्य निष्ठ होना चाहिए।